हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम पार्ट बी देखेंगे अपना चैप्टर जो 5 है, इंडिया एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री। सो हमने ये इस चैप्टर का पार्ट ए अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, आज हम इसका पार्ट बी देखेंगे। सो इरिगेशन का हम ये लास्ट पोर्शन देख रहे हैं। मॉनसून इन इंडिया इज़ इररेगुलर and uncertain. Most of the state experience scanty rainfall for a short period of time due to uncertain rainfall. More than one crop is rarely grown on an entire portion of land. Hence, to increase agriculture production, irrigation is necessary. अब इंडिया के कई भाग में ऐसा होता है कि मॉनसूनल विंड्स होती हैं, तो जिस वजह से कई बार तो कुछ सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितना पानी आएगा और कितना नहीं आएगा। तो जिस वजह से क्या होता है कि सही मात्रा में एक सही क्वांटिटी में क्रॉप ग्रो नहीं हो पाता है, और एक एंटायर जो पोर्शन है लैंड का उसको सही तरीके से इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड, नो इंडस्ट्रीज़, हमने ये अभी एग्रीकल्चर देखा था, अब इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। इन 3 बेसिस पे इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कॉटेड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री है। ठीक है, इनमें इनका जो एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, इन्वेस्टमेंट है, जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की, उनके बेसिस पर ये डिसाइड किया जाता है कि कोटेड इंडस्ट्री है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या हैवी इंडस्ट्री है। अब देखेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। व्हेन पीपल मेक थिंग एट होम इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो, लाइक इंसेंस स्टिक, पापड़, फर्नीचर, पिकल एटसेट्रा, इज कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है और ये घर से ही काम, गृह उद्योग भी जिसे कहा जाता है, जिसमें पापड़, अगरबत्ती, फर्नीचर, अचार, इस तरीके के काम किए जाते हैं, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ फैक्ट्री, सम मशीनरी, सम वर्कर, एंड इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन कॉटेज इंडस्ट्री। अब इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा होता है, इनमें मशीनों का यूज़ किया जाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा होते हैं, ये फैक्ट्री की तरह थोड़ा होता है। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टॉय, टीवी, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक आइटम आर मेड। इसमें टीवी, टॉयज, रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक के आइटम्स, इस तरीके के बनाए जाते हैं। हैवी इंडस्ट्री क्या है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से थोड़ी बड़ी होती है। हैवी इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्रीज इन विच बिग फैक्ट्री, बिग मशीनरी एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स वर्क। इट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट, सो इट इज़ कॉल्ड हैवी इंडस्ट्री। इट इंक्लूड आयरन, स्टील, मोटर कार, सीमेंट एटसेट्रा। इस तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, मोटर कार इंडस्ट्री, ये सब हैवी इंडस्ट्री में आता है। नाउ देखिए, कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉटन। कॉटन, ये जो कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज़ डेवलप इन इंडिया, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई एंड कोयम्बटूर। नाउ सेकेंड वन जो है वुलन इंडस्ट्री। वुलन इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड नाउ इट हैज़ डेवलप इन टू अ इम्पॉर्टेंट इन बिग इंडस्ट्री। जब ये इस्टेब्लिश किया गया था तो वुलन इंडस्ट्री जो है एक कॉटेज इंडस्ट्री, बट आज के टाइम पर यह इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है एंड इट हैज़ डेवलप इन पंजाब, सेंट्रल लुधियाना, महाराष्ट्र, गुजरात, जामनगर, अहमदाबाद एंड हरियाणा। नाउ पेपर, शुगर इंडस्ट्री, विच क्रॉप इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शुगर, शुगर केन जूस इज रिक्वायर्ड टू मेक शुगर। शुगर इंडस्ट्री इज़ मेनली डेवलप इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब है सीमेंट इंडस्ट्री। इन रिसेंट ईयर द सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ रेपिडली डेवलप इन इंडिया। द स्टेट लाइक गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एटसेट्रा आर नोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। ये सभी जो स्टेट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं, और सीमेंट इंडस्ट्री जो है आज डे बाई डे ये क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है। नाउ पेपर इंडस्ट्री।
पेपर इज़ यूज डेली बाय एवरीवन इन इंडिया. द पेपर मिल आर सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. पेपर इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत ही यूजफुल इंडस्ट्री है. और पेपर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड गुजरात. पेपर यूज इन न्यूज़पेपर इन ए मेड इन नेपानगर, मध्य प्रदेश. जो न्यूज़पेपर का जो पेपर मैन्युफैक्चर होता है, ये होता है नेपानगर, मध्य प्रदेश में. और जो नोट, जो हमारी करेंसी है, जो पैसे, जो करेंसी नोट है, वो कहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होता है? होशंगाबाद एंड देवास. आयरन स्टील इंडस्ट्री, फ्रॉम स्मॉल नेल्स टू ह्यूज मशीनरी एंड देयर स्पेयर पार्ट, एवरीथिंग इज मेड बाय द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. अभी छोटी सी कील से लेके बड़ी मशीन तक जो है, ये कहाँ पे बनाई जाती है? आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में. नौ जूट इंडस्ट्री, जूट गनी बैग्स, जूट क्लोज गनी बैग, जूट बैग एटसेट्रा आर मेड फ्रॉम जूट फाइबर. नाउ डेज द डिमांड फॉर गनी बैग्स एंड जूट बैग्स हैव रिड्यूस, इट इज प्लेस बैग मोड आर्टिफिशियल फाइबर इज मेड डिमांड. तो जो ये जूट बैग्स हैं, ये जूट से बनाए जाते हैं. गनी बैग्स जो हैं वो भी जूट से बनाए जाते हैं. तो इनके जो फैक्ट्रीज हैं कहाँ कहाँ पर हैं जूट इंडस्ट्री के? वेस्ट बंगाल, असम, ओडिशा और बिहार. नो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देयर आर मैनी कंपोनेंट्स इन द मिनरल ऑयल. डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड आफ्टर द प्योरिफिकेशन टू गेट कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल टार, कोल एट्सेट्रा. This industry is depend on mineral oil. The refinery in Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Vishakhapatnam, Chennai etc. purify mineral oil. Mineral oil को purify करके उसको different liquid में convert किया जाता है, oil में convert, जैसे kerosene oil, diesel oil, petrol oil, tar oil, okay. और जो इन refineries हैं जहाँ पर oil को refine किया जाता है, वो कहाँ पर है? Vadodara, Jamnagar, Mumbai, Vishakhapatnam, Chennai and etc. The dyeing and the pharmaceutical industry are parts of the petrochemical industry. Various chemical, soda ash, petrochemical etc. are produced as a part of the dyeing and the pharmaceutical industry. Today chemical fertilizer are used more in agriculture. The chemical fertilizer factories are located at Kalol, Vadodara, Sindri, Mumbai, Gorakhpur and Durgapur. तो इस तरीके से petrochemical industry डेवलप हुई है और इन गोरखपुर, दुर्गापुर, इन सभी जगहों पर. सो डियर, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. जिसमें हमें एक ही अब पोर्शन करना है, ट्रांसपोर्टेशन. हमारे इस चैप्टर में क्या है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन. तो जो कि हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कर लिया, और ट्रांसपोर्टेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.